भाई कुछ ना करो ना तो इंजीनियरिंग कर लो, ये बेस्ट है। वैसे ये डायलॉग तो आपने अक्सर घर में हर किसी के मुंह से सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। और आज इंजीनियर, जेईई, जेईई एडवांस, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी वर्ड्स के बारे में डिटेलिंग में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि इंजीनियर बनने के लिए बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना होता है। पर क्या आप जानते हैं कि बीई एंड बीटेक करने के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, तभी आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जेईई, वो एक नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम ही है। अगर आप भी इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिले। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको आपके सपने को पूरा करने में पूरी मदद करें। हम यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई के बारे में बात करेंगे। जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड क्या होता है और उसकी पूरी जानकारी, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जेईई मेन क्या होता है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए वैसे तो स्टेट लेवल पर कई एग्जाम्स होती है, किंतु नेशनल लेवल पर ली जाने वाली एग्जाम्स में से जेईई एक है। जेईई मेन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जो सीबीएसई के द्वारा वर्ष में दो बार कंडक्ट की जाती है। कुछ सालों पहले से जेईई को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है जेईई मेन और दूसरा है जेईई एडवांस। तो अगर बात करें जेईई मेन कौन दे सकता है, तो उसमें 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास करने वाले स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th या समकक्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ पास हुए स्टूडेंट। और अगर बात की जाए कि जेईई मेन्स करने से कहां एडमिशन मिलेगा, तो अगर आपने इस एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर किया है तो आपको NIT, IIT जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा कम स्कोर होने पर आपको दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्री मिल सकती है। मतलब साफ है, आपका स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। जेईई मेन का पेपर कैसा होता है, सवाल का जवाब अगर हम ढूंढे तो जेईई मेन की एग्जाम ऑनलाइन होती है। इस एग्जाम में कुल 90 यानी कि 90 क्वेश्चंस होते हैं और हर सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। कुल 360 अंकों के प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं यानी कि 360 नंबर के। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन के चार जवाब में से एक सिलेक्ट करना होता है और हर गलत आंसर का 1/4 नंबर काटा जाता है, यानी गलत आंसर की नेगेटिव मार्किंग होती है जो बहुत ही डेंजरस होती है। वैसे जेईई मेंस कितनी बार दे सकते हैं, कितनी बार आप ट्राई कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि जब आप 12th में पढ़ रहे होते हैं तभी से लेकर अगले 3 सालों तक आप जेईई मेन की एग्जाम दे सकते हैं, और प्रत्येक वर्ष 2 बार ये एग्जाम ली जाती है। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 6 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ सामान्य जानकारी जेईई मेन से जुड़ी हुई। और अब हम बात करेंगे जेईई एडवांस के बारे में। जेईई एडवांस भी जेईई मेन की ही तरह इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ली जाने वाली एक एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन एडवांस और मेन में बहुत डिफरेंस है। ये जेईई मेन का एक अगला लेवल है। इसमें जो छात्र सम्मिलित होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वे जेईई मेन के टॉप 150,000 छात्र होते हैं, एवं इसमें सफल छात्रों को IIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और जेईई एडवांस कौन दे सकता है अगर हम इसकी बात करें, तो वो स्टूडेंट जो 12th में 75% अंकों के साथ पास हो, जनरल एंड OBC 75%, ST, SC, PWD 65%, यानी कि 65%, वो स्टूडेंट जिनकी जेईई मेन के रिजल्ट में रैंक करीब 2 लाख के अंदर हो, वो दे सकते हैं। मतलब ये कि सिर्फ 1.5 लाख छात्र ही जेईई एडवांस को दे सकते हैं। और तीसरी बात ये कि वो स्टूडेंट जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो। और चौथी बात ये कि कोई भी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 2 बार 2 साल तक की जेईई एडवांस दे सकता है।
अब जेईई एडवांस करना कहाँ से है, एडमिशन कहाँ मिलेगा, इस बारे में अगर बात करें तो जेईई एडवांस आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एडमिशन के लिए जानी जाती है। लेकिन आईआईटी के अलावा और भी कुछ बड़े कॉलेजेस हैं जहां पर जेईई एडवांस के आधार पर ही प्रवेश मिलता है। इन कॉलेज में निम्न प्रमुख है: राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी यानी कि RGIPT रायबरेली, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER तिरुवनंतपुरम भोपाल मोहाली कोलकाता और पुणे, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST तिरुवनंतपुरम। अब बात करें जेईई एडवांस का पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो ये एग्जाम देश की सबसे कठिन एग्जाम में से एक मानी जाती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आप एक सही योजना और सही मार्गदर्शन में इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से होने वाली ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये एग्जाम दो परत में होती है। प्रत्येक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर होते हैं। तो इसी के साथ ये रहा एग्जाम का पैटर्न। और अब बात करें कि जेईई एडवांस के लिए आवेदन कैसे किया जाए, तो जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद आप ऑनलाइन माध्यम से जेईई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जेईई मेन और एडवांस की जानकारी, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और आपके काफी काम आएगी। और आपको इस विषय से जुड़ा अन्य कोई सवाल हो तो प्लीज आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। वैसे आपके बहुत सारे सवाल और टॉपिक्स के बारे में हमें कमेंट्स मिलते रहते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको उन सभी का जवाब दे वीडियोस के थ्रू, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है मानकर चलिए, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो फिलहाल ऐसी वीडियोस आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। आगे होगी अगले नए टॉपिक में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जेईई मेन और एडवांस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। धन्यवाद।